हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत नहीं करोगे क्या इनका और इनके साथ इनके विलेन का और पूरी की पूरी टीम का? बॉस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर 3 की डे 1 कलेक्शन प्रिडिक्शन के बारे में। नाउ यू माइट आस्क मी, आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी से आप कलेक्शन प्रिडिक्शन की भी बात करने लग गए, अभी तक तो ट्रेलर भी नहीं आया है। लेकिन 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 मैं आपको बता दूँ, ट्रेलर आ जाए, गाना आ जाए, जो कुछ भी होता रहे, सबसे बड़ा हॉटेस्ट टॉपिक जो है आजकल फिल्मी सर्किट का, दैट इज टाइगर 3। यस गाइस, नाउ दैट इज कॉल्ड YRF की सुपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मैं शुरू से ही YRF की, चाहे वो कोई भी फिल्म रही हो, पठान से लेकर और अब तक जो भी चीज़ें मैंने ट्रैक करी हैं, उसमें मैंने यही देखा है कि YRF इज समथिंग दैट डज नॉट लीव्स एनी स्टोन अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू मास्टर स्ट्रोकिंग, व्हेन इट कम्स टू मास्टर प्लानिंग। तो अब क्या कुछ कलेक्शन प्रिडिक्शन मैं करने वाली हूँ और उसके पीछे क्या बेसिस होने वाला है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, चैनल को फटाफट करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे सलमेनिया की और सलमेनियाक्स की, जो लोग आज के दिन पर सलमान खान के ट्रेंड को, यानी कि टाइगर 3 के ट्रेंड को, रात 8 बजे टॉप पर ले जाने वाले हैं। फिर से बहुत बड़ा एक कह सकते हैं सोशल मीडिया इवेंट्स ही बोलते हैं इनको, सोशल मीडिया पर कुछ होने जा रहा है, जिसमें ट्विटर पे, जिसमें कि #टाइगर 3 टाइगर 3 ट्रेलर भी हो सकता है, टाइगर 3 टाइगर कमिंग दिस दिवाली भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है उसको वायरल करने का पूरा साजिश प्लानिंग चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे लगा नाउ इट्स हाई टाइम, वैसे भी हम यशराज के बारे में ये बात करते हैं कि बिगेस्ट वाइडेस्ट रिलीज देने जा रहे हैं ये टाइगर को, नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि अक्रॉस ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स में भी टाइगर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ओपनिंग मिलने वाली है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम टाइगर 3 की डे 1 कलेक्शन प्रोडिक्शन की, ज़रा ध्यान से सुनना। इसका बेसिस होने वाला है YRF स्पाई यूनिवर्स। यस, यू गेस्ट इट राइट, YRF स्पाई यूनिवर्स। और शुरुआत करेंगे पठान से। स्पाई यूनिवर्स ही नहीं बल्कि मैं YRF की डिस्ट्रीब्यूटेड एक और बड़ी फिल्म जो कि है जवान, उसकी भी डे 1 कलेक्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ऑल्दो जवान नहीं है, जवान डिफरेंट फिल्म है और डिफरेंट ही, यू नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पाई यूनिवर्स, बट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज द ग्रैंडियर एंड स्केल एंड ऑल्सो द एक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शाहरुख खान की, शाहरुख खान की बात करें, जवान की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता आज के टाइम में। और जब हम बात करते हैं पठान की, तो बात ना करें सलमान खान की, ऐसा भी हो नहीं सकता। और टाइगर की बात तो हमको दोनों के साथ ही करनी पड़ेगी। तो इन दोनों एक्टर्स का वेटेज कितना है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, उसको एनालाइज करने वाले हैं। आ गया समझ? तो बात करते हैं सबसे पहले पठान की, पठान का डे 1 कलेक्शन, पठान का डे 1 कलेक्शन। और मैंने ये सब राइट डाउन इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मैं किसी नंबर में कोई ग्लिच नहीं करना चाहती हूँ। सो पठान का डे 1 कलेक्शन कितना था इंडिया से? वाज 57 करोड़। 57 करोड़ में से हिंदी ने कितना किया? 55 करोड़। उसके बाद बारी आती है ग्रॉस की, ग्रॉस में कितना रहा? 67.8 करोड़ पठान की। माइंड यू, उस वक्त पर स्पाई यूनिवर्स तक की बात जो है सिर्फ रूमर्स में थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है कि सलमान खान भी होंगे, वो तब तक कन्फर्म नहीं था, यहाँ पर कन्फर्म्ड है। ओके, लेकिन फिर भी कलेक्शन जो है वो ऐसी रही कि ग्रॉस में 67.8 करोड़ और ओवरसीज से 37 freaking crores आ गया था। और इसी के साथ अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो पठान का डे 1 कलेक्शन वर्ल्ड वाइड वॉज 104.8 करोड़, कहीं कहीं पर 106 करोड़ भी है। 104.8 करोड़ पहले दिन में वर्ल्ड वाइड में कमाने वाली पठान इकलौती ऐसी फिल्म थी जो बहुत ज़्यादा बैकलैशिंग के बाद आई थी इसी साल, और मतलब शुरुआत ही साल की ऐसी धमाकेदार कर दी थी कि तभी ये मान लिया था कि पूरा का पूरा साल जो है ये ज़बरदस्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आया और बड़ा धमाका, विच वॉज जवान। मैं जवान की बात यहाँ पे इसीलिए मैं आपको दोबारा से याद दिला रही हूँ, स्पाई यूनिवर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान और सलमान खान एज स्टार्स की, क्या स्टार पावर रखते हैं ये लोग, और टाइगर में दोनों ही ऑफकोर्स। ठीक है, तो जवान में, जवान की डे 1 कलेक्शन कितनी थी? 75 करोड़, उसमें से हिंदी ने कितना किया? 65 करोड़। इसने पठान के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त करके रख दिए थे, धराशाही करके रख दिए थे। अब उसके बाद ग्रॉस से कितना हुआ? 89.5 करोड़ एंड ओवरसीज से 39.6 करोड़। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ जवान ब्रोक ऑल द फ्रीकिंग रिकॉर्ड्स एवरीथिंग एंड वॉज 129.10 करोड़। अब बात करते हैं हम लोग टाइगर की। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कनेक्शन समझा दिया है, कनेक्शन क्या है, लेकिन जब बात आती है टाइगर 3 की, तो टाइगर 3 ऑलरेडी एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है कि ये पठान को तो सरपास कर जाएगी आराम से। ओके, इतना बड़ा ब्रांड है ऑलरेडी टाइगर 3 में। आप मतलब पठान का एक बार को सबको तो था ही इंतज़ार, लेकिन टाइगर 3 का न्यूट्रल ऑडियंस में जो क्रेज़ मैं देख रही हूँ, ये अनबिलीवेबल है। एक वक्त था जब सलमान खान की ही फिल्में जो हैं
वही राज करती थी बॉक्स ऑफिस पर, किसी और की फिल्म राज करती ही नहीं थी, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, चाहे वो बॉडीगार्ड हो, चाहे सुल्तान हो। सुल्तान तो ऐसी फिल्म थी जिसको अभी भी कभी भी देख सकती हूँ। ठीक है, ये जो दौर था, चाहे दबंग हो चाहे वांटेड हो, मतलब वो वांटेड से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक, एक डेकेड तक पूरा चलता रहा, तो दैट वॉज द स्टारडम ऑफ सलमान खान, इट स्टिल इज। और टाइगर जिंदा है ने जो क्रिएट कर दिया था एंड के सीन में, टाइगर जिंदा है, उसने एक एक थर्ड पार्ट के लिए छोड़ दिया था कि एक ओपनिंग, एक ओपन एंडेडनेस छोड़ दी थी, तो तभी से सबको पता था कि टाइगर 3 आएगी। और टाइगर जिंदा है वॉज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। उसी चीज़ को अगर हम साथ लेते हुए डे वन कलेक्शन की बात करते हैं, प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो बात करेंगे हम लोग आज के ज़माने में जो नंबर्स चल रहे हैं, अब वो नंबर्स छाएंगे जब टाइगर 3 की बात होगी। तो टाइगर 3 का डे वन कलेक्शन ज़रा प्रिडिक्शन ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है कि अगर पठान ने डे वन कलेक्शन पर इंडिया नेट से 57 करोड़ किया था, तो आराम से टाइगर 3, मैं बहुत कम तर लेके चल रही हूँ, 60 करोड़। 60 करोड़ कुछ भी नहीं है, मुझे पता है उड़ा के रख देगी, पूरा धो के रख देगी बॉक्स ऑफिस को, मगर फिर भी मैं अपने थोड़े नंबर्स लो की लेके चलना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लो की लेके चलेंगे, तो जब बहुत बड़े नंबर्स आएंगे तो वी विल बी हैप्पी टू सी कि अपने आप ही सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट गए। तो मतलब अगर पठान ने 57 करोड़ किया था डे वन पर, तो टाइगर जो है आराम से 60 करोड़ लेकर चलते हैं, सेफ बेट। ओके, बात करेंगे ग्रॉस नंबर की, तो ग्रॉस में अगर पठान ने डे वन पर किया था 67.8 करोड़, तो मैं यहाँ पर ग्रॉस टाइगर 3 का लेकर चलने वाली हूँ 75 करोड़। अगेन अ सेफ बेट, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं। और इसके बाद जब हम बात करेंगे ओवरसीज मार्केट की, तो भाई ओवरसीज में ना, ओवरसीज में एक अलग मैडनेस चल रही है YRF को लेकर। YRF इज लाइक अ, यू कैन से कि बेताज बादशाह ऑफ ओवरसीज मार्केट। मगर फिर भी मैं कमतर लेके चलूंगी। अगर ओवरसीज मार्केट से पठान ने डे वन पर किया था 37 करोड़, तो यहाँ पर टाइगर की जब बात करेंगे तो मैं 40-42 करोड़ की रेंज में रखती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर, और 75 और 40 करोड़ में अगर बोल रही हूँ, तो आराम से यहाँ पर 115 करोड़, तो यही हो गया इंडिया नेट कलेक्शन, सॉरी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड गबॉक कलेक्शन। ठीक है, 115 करोड़, जवान का रिकॉर्ड टूट चुका है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट डन द एनालिसिस। तो मतलब पठान का रिकॉर्ड टूटना तय है, लेकिन क्या ये जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है? वेल, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। अभी हम उस पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जवान एक अलग लीग की फिल्म है और टाइगर 3 बिल्कुल डिफरेंट लीग की फिल्म है। दोनों ही एक्शन मूवीज, लेकिन दोनों की कहानियां डिफरेंट हैं, दोनों के एक्टर्स, मेन लीड एक्टर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जवान का मुकाब जवान को बीच में लाकर नहीं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ पठान और टाइगर 3 की ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर टाइगर 3 ने भी वो कर दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब सलमान खान और शाहरुख खान टाइगर वर्सेस पठान में जो करने वाले हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। इससे पहले किसी ने देखा, सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, बॉक्स ऑफिस पे इतना बड़ा नंबर ला सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि टाइगर 3 इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। राइट नाउ वी आर जस्ट प्लेइंग अ लिटिल लो, बट टाइगर 3 इज रियली गोइंग टू क्रिएट मेहम ऑन द बॉक्स ऑफिस। सुनामी आएगी पक्का, ये तो मतलब सोच के लिख के रख लो। सो ये है एक एनालिसिस, क्या लगा है आपको, क्या लगता है, क्या 115 करोड़ के आसपास का डे वन कलेक्शन आ सकता है, पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है टाइगर 3 या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन।